इस वक्त हर वर्ग परेशान है क्योंकि कोरोना के कारण लगाए लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक कमर टूट चुकी है। लोगों को रोजगार के साथ मदद की आस है। सरकार लाख ऐसे जरूरतमंदों को सहारा देने का काम कर रही है, फिर भी लोगों को मदद देने के लिए कई हाथ बढ़ रहे हैं, जिनमें अब कोरोना काल में सड़कों पर लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के परिवार भी शामिल हो चुके हैं। कोरोना महामारी का दौर कितना दुखदायी है इसको बताने की जरूरत नहीं। इस दौर में कितनों ने अपनों को खोया और कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आए, हम सबको मालूम है। लेकिन इस वक्त आम जनता पर एक मार और पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों में बैठना पड़ा। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मुश्किल से दो वक्त की रोजी रोटी जुटा पाते थे। ऐसे लोगों की चिंता के लिए सरकार ने मदद का प्रयास किया, वहीं अब इन परिवारों की मदद के लिए पुलिस परिवार भी आगे आए। दरअसल पुलिस परिवार की महिलाओं द्वारा कई कल्याणकारी कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन गठित है। इसी प्रकार इंदौर में भी पुलिस अधिकारियों की पत्नियों का एक क्लब है। इसी के तहत वर्तमान के इस कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए रक्षा शक्ति नाम के एक ग्रुप का गठन श्रीमती अनुपमा विवेक जौहरी के मार्गदर्शन और श्रीमती मीनाक्षी हरि नारायणचारी मिश्र की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी सह अध्यक्ष श्रीमती नवनीता मनीष कपूरिया है और कार्यकारी सचिव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा पाठक सोनी। इसमें सीनियर रैंक के कई पुलिस अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारियों की पत्नियां भी सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। रक्षा शक्ति ग्रुप कई सामाजिक कार्य करने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस के मौके पर की गई। ग्रुप की सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया, साथ ही जरूरतमंदों की सहायता की तरफ भी कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट्स का वितरण किया गया और उनका आगे भी इस मदद का भरोसा दिलाया गया। अब संदेश तो यही है कि पुलिस का धर्म ही समाज सेवा से समर्पित है, तो पुलिस की पत्नी होने के नाते हम जो सब अधिकारी पत्नियां हैं, हम सब भी उसी धर्म को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। समाज में जो भी परेशानियां, जो भी हमारे स्तर, हम जिसकी मदद कर सकें हमें आगे आना चाहिए। जिनके जो भी ज़रूरतमंद हैं, हम उनके ज़रूरत के उनकी जो भी आवश्यकता है, हम जो कर सकते हैं उनके लिए प्रयास रहेगा कि हम अपने स्तर पर उनके लिए कुछ ना कुछ करें। इंदौर में कई पुलिस अधिकारी जो पदस्थ हैं, उनकी पत्नियों का एक क्लब होता है, महिला क्लब। इस क्लब की एक ग्रुप इन्होंने गठित किया है रक्षा शक्ति नाम से, और इस ग्रुप में जो महिला सदस्य हैं, उनकी सबकी ये इच्छा थी कि ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको कोरोना के टाइम में जॉब छूट गया या और कई परेशानी आई हैं, उनको राशन सामग्री वितरित की जा सके। तो महिलाओं ने अपनी बचत से ये राशि जो है एकत्र की और आज DRP लाइन इंदौर में ऐसे जरूरतमंद लोगों को वो राशन सामग्री वो प्रदाय की गई। जरूरतमंदों के लिए बढ़े ये हाथ साबित करते हैं जनता के लिए रात दिन ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की पत्नियां भी कितनी संवेदनशीलता रखती हैं। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया, वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN भारत।